वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 36 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट है और चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड ये वर्कशीट है। देखो, सबसे पहले आज की जो वर्कशीट में हम सीखने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखो, आज की वर्कशीट में हम ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। किसका? ट्राइंगल का। आपको पता है जो ट्राइंगल होता है, अगर उसकी तीनों साइड इक्वल होती है तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। लेकिन अगर उसी ट्रायंगल के अंदर, उसी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग होती है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती है। और एक और बात, अगर हम इस वर्टेक्स से, इस कोने से अगर यहाँ पे बिल्कुल मीडियन डालते हैं तो ये दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं, ये 90 डिग्री की भी होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम समद्विबाहु से भी डालते हैं तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा 10 का है तो इसका मतलब ये कितने का होगा? 5-5 का होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला लगाना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसलिए रफ कॉपी में समझा रहा हूँ, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो वहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, इसमें हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, लेकिन जब उसमें साइड ही बराबर नहीं होगी तो ऊंचाई निकालना मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हीरोन सूत्र पढ़ते हैं, वो हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे बच्चों, ठीक है। और हीरोन सूत्र से ही समबाहु त्रिभुज का एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना भी सीखेंगे, √3/4 साइड की पावर 2, हिंदी में बोलते हैं √3/4 भुजा की घात 2। ये थोड़ा सा रफ में बता रहा था ऐसे ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे, और ये हीरोन सूत्र भी सीखेंगे, ये सीखेंगे किस प्रकार ये कैसे बना है, ठीक है, और इसका एरिया कैसे होता है, S S-A S-B S-C, ठीक है। S मतलब होता है सेमी पैरामीटर, आधा पैरामीटर, जैसे इस पूरे को हम पैरामीटर कहते हैं ना, परिमाप कहते हैं ना, और जब हम आधा लेंगे तो उसे S कहेंगे, अर्ध परिमाप कहेंगे। S मतलब सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमसे वर्कशीट में केवल दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, फटाफट हम इसको कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो तो रहने वाली नहीं है, पढ़ लेते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि आपको अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला। तो इसके लिए आपको ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, आपको पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। हम ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, ठीक है। आप स्केल से बना लेते हैं, मैं रफ पे बना रहा हूँ। ए बी सी नाम दे दे, इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री का, क्योंकि बराबर है तो दोनों बराबर दिखेंगे, थोड़ा रफ में बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हमने डी नाम दे दिया। आपको पता है ये 12 है, ये 12 और ये भी कितना है, 12, तो ये आधा कितना होगा, 6। तो ऊंचाई निकालने के लिए 90 डिग्री का एंगल होता है तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना। तो एंगल जो हमारा, जैसे हमने इसका नाम इस ट्रायंगल में ले लिया, इन ट्रायंगल ADB, हिंदी में आप लिखेंगे त्रिभुज ADB में, क्योंकि मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, जो इंग्लिश में जो होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। तो त्रिभुज ADB में हमने क्या लिखा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, क्यों करते हैं प्रमेय का प्रयोग, जब कोई वहां पे एंगल 90 का होता है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल ADB क्या है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 के सामने वाले को अलग लिखो, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो कर्ण होती है, बराबर में जो बचे हैं वो लिख दो, कौन बचा, AD बचा और BD बचा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताइए AB कितना है,
जल्द से बताइए बच्चों, ए बी कितना है? ए बी आपके सामने है 12, ऊपर लग गया 2। ए डी कितना है? हमें नहीं मालूम, वही तो निकाल लें, अगर वो पता होता तो फटाफट एरिया नहीं निकाल देते। बी डी कितना है? 6 की पावर 2। अब मुझे बताओ 12 की पावर 2 का मतलब 12 में 24 लिखेंगे या 12 की 12 मल्टीप्लाई करके 144 लिखेंगे? 144। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 24 लिख देते हैं, ठीक है, तो वो गल्त हो जाएगा आपका। 6 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, तो प्लस का 36 दे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये दिया हो या ना दिया हो, 90 के सामने वाले को अलग लिखना। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि जो नहीं दिया ना उसको बराबर में लिखता हूँ, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर माइनस लगाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। ये एक ही तरीका याद रखो। अब 144 में से 36 कर दो, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तब फिर जैसे मर्जी ले लेना। 14 में 6 के 8 बचे और यहाँ पे 108 आ गए, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ इक्वल इक्वल चलता हुआ आ रहा है। या तो यहाँ पे आप और लिखोगे हिंदी वाले या लिखेंगे, या आप ऐसे एरो बना लो, ठीक है। अब ये ए डी मैंने इसको इधर लिख लिया, 108 को मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट देखिए, ये जो ए डी है हमारा 108 का क्या हो जाएगा? रूट। तो 108 का रूट निकाल लीजिए, देखो 2 5 10 होता है, 2 4 8, 2 3 4 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 2 में से 1 2 बार आ गया, 2 3 में से 1 3 बार आ गया, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 3 में से 1 3 बार आ गया, 2 2 में से 1 2 बार आ गया, 3 9 6 और ये 3 अंदर आ गया, ठीक है। ये किस में चल रहा है बच्चों? सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आप सेंटीमीटर यूनिट लगाना मत भूलना। अब हमें पता लग गई, हमें हाइट पता लग गई, हमको बेस पता है पूरा, 6 और 6 12 12 दे रखा है, तो फटाफट आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला 1/2 आधार, आधार का नाम क्या है बच्चों? हमने यहाँ पे आधार कौन सा लिया है? बी सी लिया, तो हम लिखेंगे आधार बी सी गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है बच्चों? डी सी, तो यहाँ पे आप डी सी लिख लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से 1/2 आधार कितना है हमारा? बी सी की वैल्यू कितनी जल्दी से बताइए? 12, और ऊंचाई कितना है हमें? 6√3। तो आप इसे काट दिए, काट दीजिए, 2 6 12, तो 6 6 36√3 सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप पहला वाला मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले लिख रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट देखिए। अब यह समद्विबाहु त्रिभुज है, मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझा दिया था कि समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें दो साइड बराबर होती है। क्या होती है? दो साइड बराबर होती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सेम, तो आपको दे रखा है जो समान भुजाएं हैं वो 10 है। अगर ये 10 10 है तो ये पूरा का पूरा कितना है? 16। तो ये थोड़ा सा पिक्चर ऐसे बनी है, आपको सीधी बनानी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे काटेगा बिल्कुल बीच में। अगर ये पूरा 16 है तो ये कितना होगा बच्चों? 8 8 होगा। कितना होगा? 8 8। इसको भी हमने नाम दे दिया ए बी और सी नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये 10 है, ये 10 है, ये पूरा का पूरा 16, तो 8 8 हो गया। तो अब हमें भी इसमें क्या निकालनी पड़ेगी? ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। सेम वैसे ही करेंगे, इसका नाम हमने डी दे दिया, ठीक है। हमने लिखा इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। तो एंगल ए डी बी क्या है? 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस प्रमेय की जगह आप नियम भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने का, ठीक है, क्योंकि आप जो प्रमेय है वो 10th क्लास में सीखोगे, इसलिए आप यहाँ पर नियम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि 90 के सामने वाले को आप अलग करो, हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है, बाकी बेस और हाइट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर आ गया। आप इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन 90 के सामने वाले को अलग ही लिखना है अगर आप प्लस ले रहे हैं तो, ठीक है। अब फटाफट देखिए ए बी कितना गिवन है, सेम वैसे ही करना है जैसा भी करा था। ए डी कितना है? हमें ए डी पता करना है, ए डी पता होता तो ये क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। 10 की 10 में करीब 100 आ गया, ठीक है, और 8 का कितना होता है? 64।
अभी 64 जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से 100 में से 64 से कितने बचे, 36, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बन गया, रूट बन गया 36 का क्या होता है, 6 होता है, 36 का क्या होता है, 6 होता है। फिर मैं बता दूं, हमें यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, तो यूनिट लिखना आप मत भूलना, और यहाँ पर आप एरो बना देना या लिखते चले जाना, ठीक है बच्चों। हमारा एडी निकल गया, अब हमें हाइट पता लग गई, हमें बेस पता है, तो हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो बराबर देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूरा पूरा लिख लेना, 1/2 आधार, बच्चों आधार का नाम क्या है, बी सी, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है बच्चों, ऊंचाई का नाम है ए डी, क्या है, ए डी। तो फटाफट देखिए, 1/2 आधार की वैल्यू कितनी है, 16, और ऊंचाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमने कितनी निकाली है, 6 निकाली है, तो 2 × 16 = 48, 2 × 16 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये भी आंसर आ गया, इस तरीके से हमने दोनों निकाल दिया। आप एक बार स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये है, बस दो ही क्वेश्चन थे आज के लिए, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा, बाकी आप प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।